मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हम आपको बता दें, लगातार फ्लाइट हो या पब्लिक प्लेस हो, यूरिनेट की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और नशा लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे डॉक्टर मौजूद है, साइकेट्रिस्ट, उनसे बात करेंगे और जानते हैं ये सब क्यों होता है, ऐसा क्यों लगातार ये घटना बढ़ रही है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुंबई टीवी में। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोकल न्यूज़ को और लोकल इश्यूज़ को कवर करते हैं, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। सर, हम ये जानना चाहेंगे, लगातार जैसे फ्लाइट हो या पब्लिक प्लेस हो, यूरिनेट की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, क्या हो रहा है कि बहुत बार लोगों को अगर कोई क्रिया करेंगे, गलत चीज़ करेंगे, और वो गलत चीज़ का मुझे कोई भुगतान नहीं है, उसे कोई मुझे पनिशमेंट नहीं है, उसका मुझे कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना है, तो लोग जो पहले ही एंटी सोशल विचारधारा के होते हैं वो कुछ भी करेंगे। एक होते हैं अच्छे लोग। अच्छे लोग मतलब ऐसे लोग जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो सोचते हैं कि कोई भी क्रिया करने के पहले इसका क्या परिणाम होगा। उसी तरह एक बहुत ही अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है, एंटी सोशल पर्सनालिटी, जो मनमौजी होते हैं। मनमौजी इतना होते हैं कि उनको लगता है मैं जो करूँ वो सही, और मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा महाराजा हूँ, और मैंने अगर वो कर भी दिया तो मेरे लिए वो जायज़ है। उनके दिमाग में उनको लगता है मैं बहुत बड़ा कोई आदमी हूँ। ऐसे लोग ये चीज़ कर देते हैं। अब उसके बाद अपने यहाँ पे अगर जो सिस्टम है जहाँ पे उनको पनिशमेंट होनी चाहिए या सज़ा मिलनी चाहिए, वो अगर सिस्टम बराबर नहीं है तो उनकी मंशा और बढ़ती जाती है, उनका हौसला और बुलंद होते जाता है। तो ये एक रीज़न है वो करने का। दूसरा एक होता है कि भाई हाँ, ये सिर्फ पब्लिक स्पेस का मैं बता रहा हूँ, कि बचपन से जैसे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई कोई लड़का हो तो हम उसको बोलते हैं कि चलो टॉयलेट आइए, अरे कर ले बेटा, रोड पर गाड़ी रुकाते हैं और फिर उसको बोलते हैं, तो हम ही तो सिखा रहे हैं ना बच्चों को ऐसा। वही अगर आप लड़की देख लीजिए, हमारे घर में लड़की हो तो हम उसको ऐसा नहीं बोलते। तो ये तो ट्रेनिंग की बात हो गई। इसके कारण क्या हो जाता है कि लड़कों को बड़े होते हुए लगता है कि ये चीज़ हमने करना एक नॉर्मल है, इसमें कोई हम गलत, अजीब, समाज के खिलाफ या फिर रॉन्ग चीज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे लोगों ने समझना चाहिए कि आपको देख के और चार लोग वैसा करते हैं और ये चीज़ सही नहीं है। तो इसमें अगर हम ऐसा करें कि भाई हम ऐसा सोचना शुरू करें कि मेरे को और आधा घंटा ही तो रुकना है, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आधा घंटे में कोई मेरे को पब्लिक यूरिनल मिल जाएगा, वहाँ पे मैं कर लूँगा, थोड़ा कंट्रोल की तो बात है। ऐसा तो नहीं है कि आपको एकदम एक मिनट पहले पता चलता है कि मेरे को यूरिनेट करना है। बात यही है कि आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने की जो एक शिक्षा होती है या फिर एक जो सिखाया हुआ होता है कि रूल्स को फॉलो करना है, ये एक ऐसा रूल है जिसको कोई सीरियसली नहीं रहता। और क्योंकि मैं चार दोस्त मेरे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, मैं भी सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। हाँ, जो फ्लाइट्स में होता है वो बहुत अलग चीज़ है, वो तो मैं बोलूँगा एक प्रकार की एंटी सोशल पर्सनैलिटी बिहेवियर या फिर मानसिक बीमारी भी रह सकती है, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो नार्सिसिस्टिक, मतलब उनको लगता है हम कुछ भी करें हमारे लिए सब जायज़ है, उस टाइप के लोग। कोई कोई इसमें के भी जो लोग होते हैं जो ऐसे प्लेन में कर रहे हैं, नशे की धुन में कर रहे हैं, और जब कोई भी व्यक्ति नशे की धुन में ऐसी चीज़ करता है तो क्या हो जाता है, उसके दिमाग का जो समझदारी वाला हिस्सा होता है, जो अपने को बोलता है कि भाई ये चीज़ करना उचित है, ये अनुचित है, ये चीज़ आप आपके घर में करिए तो उचित है, ये चीज़ बाहर करेंगे तो अनुचित है, आप को ये जो दिमाग का हिस्सा बताता है, वो हिस्सा एक तरह से नशा करने के बाद आपका शट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप एक प्राणी की तरह हो जाते हो। तो उस समय आप में और एक कोई दूसरे प्राणी में, मतलब कोई डॉग में और आप में फ़र्क नहीं रहता, जो हमेशा हमारे में होता है कि हमारे को कोई भी चीज़ अगर करनी है तो हमारे में क्षमता होती है कि हमें जो चीज़ बोली गई है उस पर हम सोचें, उस पर विचार विमर्श करें, उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं इसके विचार करें, और अगर सब सही हो तो हम करें। वही अगर हमें कोई कुत्ते को देखे तो वो नहीं कर पाता है, पर जब हम बहुत ज़्यादा नशा कर लेते हैं तो हमारा दिमाग का विवेकी सेंटर जो है, हमारे दिमाग का समझदारी वाला सेंटर जो है, जजमेंट वाला सेंटर जो है, वो एक तरह से स्विच ऑफ हो जाता है, सिंपल भाषा में बोले जाए तो। उनको समझ में ही नहीं आता है कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम क्या होने वाला है। ये उनमें दिमाग उस समय के लिए बंद हो जाता है एक तरह से। तो सर, ऐसे लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ऐसे लोगों को प्रिकॉशन, देखिए, ऐसे अगर आपका ऐसा बिहेवियर है कि नशा करने के बाद आप होशो आवाज़ में नहीं रहते, तो फिर आप ये थिंकिंग में मत जाइए कि थोड़ा ही नशा करूँगा, थोड़ा ही ड्रिंक पीऊँगा, थोड़ा ही मैं चरस गांजा मारूँगा, फिर आप ज़ीरो पे रहिए। अगर आपका थोड़ा भी कंट्रोल छूटने का प्रॉब्लम है, पहले ऐसा आपको वाकया हुआ है, हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आपने यूरिनेट किया हो जाके पब्लिक में, बट दूसरी भी चीज़ हो सकती है कि
नशा करने के बाद, ड्रिंक करने के बाद आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, आपने पहले किसी के साथ मारपीट कर ली है, या फिर आप अजीबो गरीब हरकतें पहले किए हो नशा करने के बाद, तो वो एक खतरे की घंटी है जो आपने समझ जाना चाहिए कि भाई मेरे लिए नशा बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरे ऐसे लोग जो नशा ना करते हुए अपने पूरे होशो आवाज़ में ऐसा करते हैं, उनके लिए तो फिर सज़ा ये ही मेरे हिसाब से एक ट्रीटमेंट। और सर जैसे आपने नशे की बात करते, तो हमने बहुत से एरिया ऐसे लोकल इशू जो कवर करते हैं, हमने अक्सर देखा है वहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का हर कोई नशे का आदी हो चुका है लगभग। आजकल देखा जा रहा है जो बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई की उम्र होती है वो भी इस नशे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे में पेरेंट्स को किस तरीके से उनको पता चले या उनका बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, ऐसा क्या कुछ आप बताएं? सबसे पहले देखिए, बहुत इजीली नशा आजकल मिल रहा है, मतलब जितना इजीली आपको पानी का बिस्लरी बॉटल नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा आसान है आपको नशा मिलना। आप कोई भी गली में जाइए, नुक्कड़ में जाइए, वहाँ पे डीलर बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अगर वो एक ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे कि भाई हमारा बच्चा तो नहीं करेगा, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, तो ये एकदम गलत थिंकिंग है आपकी। क्योंकि जब बच्चों की बड़े होने की उम्र होती है, जब बच्चे समझदार नहीं रहते हैं, जब उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जब उनमें बहुत जिज्ञासा होती है कि चलो नई चीज़ें ट्राई करें, ये उम्र में टारगेट किया जाता है बच्चों को कि भाई आप ये वाइटनर लीजिए, या फिर ये पत्ता है, ये पत्ते को आप एक बार स्मोक करके देखिए, आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा। एक दो बार बच्चा करता है तब तो उसको 10-12 साल के बच्चे को मालूम नहीं होता है कि भाई ये नशे का मुझे आदत लग जाएगा, लत लग जाएगा। वो ट्राई करता है 2-3 बार, उसको बहुत अच्छा फीलिंग आता है। अब वो अच्छा फीलिंग उसको फ्री में मिल गया, अगली बार फिर वो डीलर उनको बोलता है कि भाई अभी आप इतना पैसा निकालिए, इतना आप कैश दीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो बोलता है मेरे पास कैश नहीं है, तो वो बोलता है और 2 दोस्तों को लेके आइए, वो 2 दोस्तों को आप थोड़ा ये हमारे सेल में मदद कीजिए, तो आपको एक फ्री मिलेगा। इस तरह आप डीलर क्रिएट करते हो और उसको नशे के अधीन बनाते हो। अभी ये स्कूल्स के आजू बाजू होता है, आप कोई पान टपरी के शॉप पे जाएंगे उसके बाजू में आपको मिलेगा कि भाई बेचने वाला बैठा है, उसकी बहुत सारी कोड लैंग्वेज है, वो कोड लैंग्वेज हर एक एरिया की अलग होती है। और प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर नशा कर भी रहे हैं बच्चे और उसका तकलीफ भी हो रहा है, तो माँ बाप क्योंकि ये ख्याली दुनिया में रहते हैं कि भाई हम तो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा भी नहीं करेगा, तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है। उनको लगता है बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है तो ये आजकल बहुत बिगड़ गया इसलिए चिड़चिड़ कर रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो उनको लगता है कि भाई ये आजकल फोकस करना नहीं चाहता, इसको और ट्यूशन क्लास लगाओ, इसको संगत बदलो। वो ये नशे के एंगल से सोचते ही नहीं है जो उन्होंने कभी ना कभी सोचना चाहिए, तो उसके वजह से बहुत दिन तक या महीनों तक या सालों तक भी समय निकल जाता है, बच्चे नशे के पूरी तरह से अधीन हो जाते हैं, एक नहीं मल्टीपल टाइप के नशे के अधीन हो जाते हैं। और जब तक माँ बाप को पता चलता है अरे ये तो कोई एडिक्शन हो सकता है, तब तक उनका जो फंक्शनिंग है बच्चों का, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका दिमाग का जो काम करने का तरीका है, वो पूरी तरह तहस नहस हो चुका होता है। और सर हमने अक्सर देखा है ये तो नशे की शुरुआत है, जब बच्चे नशे में धुत हो जाते हैं कई माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उसको उस नशे से बाहर निकालने के लिए पेरेंट्स के लिए ये आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि उसके अर्ली सिम्टम्स, पहले के सिम्टम्स क्या है, नशा जब शुरू होता है तो क्या क्या सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स क्या क्या है। पहले जो बच्चा आपका एकदम शांत रहता था, अच्छे से रहता था, अभी छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहना शुरू किया है, मतलब अगर आप उसके रूम में जा रहे हो तो वो एकदम से चौकन्ना हो जाएगा, आपको बोलेगा भाई आप मेरे रूम में क्यों आ रहे हो, मेरे प्राइवेसी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि जब वो घर पे आ रहा है तो उसके शरीर से किसी प्रकार का स्मेल आ रहा है जो अजीब है, तो आपके खतरे की दिमाग की खतरे की घंटी जल जानी चाहिए। उसके अलावा अगर आप नोटिस कर रहे हो कि ये पढ़ाई में पहले एवरेज था, ये अच्छा था, और पढ़ाई में उसका जो परफॉर्मेंस है वो रेगुलरली पिछले कुछ हफ्तों से महीनों से नीचे जाते जा रहा है, तो ये भी एक खतरे की घंटी है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, ये एक है। उसके अलावा एज पेरेंट्स हमको क्या साइंस पता चल सकते हैं कि अगर वो बराबर सो ही नहीं रहा है, या वो घर पे कभी कभी आता है नशा करके आता है तो आँख उसकी पूरी लाल हो गई है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई पहले जो हमारे से बात करता था, पहले जितना इंटरेक्ट करता था, अभी अकेला अकेला रहना शुरू कर दिया है, वो अपने अलग ही दुनिया में गुमसुम सा हो गया है, ये खतरे की घंटियाँ हैं, ये अर्ली साइंस है कि हम पता कर ले। अगर वैसा पता चल जाता है कि नशा कर रहा है तो सबसे पहले चीज़ जो नहीं करनी, उनको मारना नहीं है, उनको पीटना नहीं है, उनको ये नहीं बोलना है कि अरे भाई हमने तो आपको इतने अच्छे से पाला, आपने हमारा नाम खराब कर दिया, आपने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि नशे का ट्रीटमेंट ये नहीं है। आप उनको और गिल्टी फील कराओ उससे पेशेंट आपका ठीक नहीं होने वाला है। सबसे पहले पता करो कि भाई कौन से नशे वो कर रहा है, उनके दोस्तों से थोड़ा पता करो, नहीं कर पाते तो आप सीधा उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, कुछ यूरिन की टेस्ट होती है जिससे पता चल सकता है कि ये इसने
कौन से नशे का सेवन किया है। एक बार नशे के टाइप पता चल जाते हैं तो उसके लिए मेडिसिन्स होती हैं, वो मेडिसिन हम शुरू कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केस बिगड़ा हुआ है और पेशेंट मतलब बच्चा या टीनेजर बोलता है कि नहीं भाई नशे के बिना तो मैं नहीं रहूँगा, मेरे को तो करना ही है, इसमें तो बहुत मज़ा आता है, किक मिलता है, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, तो ऐसे टाइम पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे कैसा हो जाता है, महीना 2 महीने के लिए उसको बिल्कुल भी नशे का एक्सेस नहीं होता, तो जो गोली हम देते हैं, जो काउंसिलिंग हम करते हैं, उसका फ़ायदा दिन दुगना रात चौगना हो जाता है। नहीं तो बहुत बार पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते हैं और घर पे जाने के बाद नशा भी कंटिन्यूस चालू रहता है, मेडिसिन भी चालू रहता है, नशा भी चालू है, मेडिसिन भी चालू है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स के लिए कि सबसे पहले आंखें खुली रखें, मेरा बच्चा ये नहीं करेगा ये विचारधारा से निकल जाइए, क्योंकि हर गली हल नुक्कड़ में मिल रहा है। दूसरा, अगर आपको कुछ साइंस मिलते हैं तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाने में कतराइए मत। लोग क्या बोलते हैं, अरे चार लोग क्या बोलेंगे मेरे इर्द गिर्द के कि इसका बच्चा ऐसा कर रहा है, वो चार लोग क्या बोलेंगे, इससे अच्छा सोचो कि अगर इसको तकलीफ है पहले के स्टेज में पकड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेट स्टेज में पकड़ेंगे तो रिहैब में डालना पड़ेगा, उससे भी लेट स्टेज में पकड़ेंगे तो कभी कभी वो ओवरडोज करके शायद खुद को कुछ कर भी ले, तो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सर, आज के दौर में सबसे अहम सवाल जो कि बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार नशे में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण सर, इस तरीके लोग क्यों कर लेते हैं सुसाइड? देखिए, सुसाइड का बहुत सारे कारण होते हैं और हर एक सुसाइड का रीज़न अलग हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नैराश्य की बीमारी, मतलब जिसमें आपको बहुत अरसे तक ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरे लाइफ में जी के कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हर चीज़ में उदासीनता लगती है, सुबह उठने के बाद कोई चीज़ करने का मन नहीं करता, एक तरह से आपको लगता है कि मेरी लाइफ होपलेस हो गई है, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, हेल्पलेस महसूस करते हैं आप, या आपको लगता है मैं वर्थलेस हूँ, मतलब मेरी कोई कीमत नहीं है। अगर ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम हो, मतलब क्या, होपलेस लगना मतलब कोई आशा की किरण नहीं दिख रही, हेल्पलेस लगना मतलब ऐसा लगता है कि मेरी कोई मदद कर ही नहीं सकता, और तीसरा वर्थलेस लगना मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, ये अगर भावनाएं बहुत तीव्र तरीके से आ जाए जो सीवियर डिप्रेशन में होती हैं, तो फिर पेशेंट को लगता है ऐसे जीने से अच्छा है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। ये एक कारण है। दूसरा कारण है जिसे हम बोलते हैं इम्पल्सिव सुसाइड। इम्पल्सिव सुसाइड मतलब एकदम से मेरे दिमाग में कोई तो बहुत विचार आया कि कुछ मतलब नहीं है जी के, बहुत दिन से नहीं सोच रहा हूँ मैं, एकदम से मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने खुद को कुछ कर लिया और मृत्यु हो गई, तो ये नशे के धुन में हो सकता है। क्योंकि जब वापस जब नशा करते हैं तो आपकी विवेकी बुद्धि, आपका साउंड माइंड, आपका सोचने वाला दिमाग जो है शट ऑफ हो जाता है, आप मंकी जैसे काम करना शुरू करते हो, जो भी विचार आया उस पर क्रिया कर दी। अगर आपको दिमाग में विचार आया जी के कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, तो आप उसी को सच मान लेते हैं, थिंकिंग माइंड आपका काम नहीं करता है, आप खुद को कुछ कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अगर आपने नशा किया तो इम्पल्सिवली एकदम जोश में आके या एकदम उस मोमेंट में बह जाके आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली नशे का तो बहुत बड़ा रोल है। कौन सा नशा कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं, एक बार नशे की आदत लग गई, अगर वो नशा नहीं मिले तो उसका जो विड्रॉल होता है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे जो आपको तलब लग जाती है और आपकी बॉडी में जो उल्टे सीधे इफ़ेक्ट्स दिखते हैं कि भाई आपकी पूरी बॉडी दुख रही है, आपके हर आँखों में से पानी निकल रहा है, आपके नाक में से पानी निकल रहा है, आपके मुंह से पानी निकल रहा है, आप दिन भर वॉशरूम जा रहे हो, आपके पेट में गोले आ रहे हैं, आपको बहुत थर थर हो रहा है हाथ, आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे समय पर लगता है तो और नशा मिल जाए या फिर मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सागर, जो कि बता रहे थे किस तरीके से पेरेंट को सलाह दे रहे थे। अगर पेरेंट्स की सलाह पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को नशे से बचा सकते हैं। अब देखना ये रहेगा कि इनकी सलाह पे हमारे दर्शक के पेरेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। कैमरा पर्सन फहाद के साथ जैन सैयद, मुंबई TV, पवई।